तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म डंकी की वजह से चर्चा में हैं, मगर उनकी पिछली फिल्म जवान अब जाकर थिएटर से उतरी है। रिलीज के 8 हफ्तों बाद अब जाकर फिल्म की फाइनल कमाई पता लगी है। जवान हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। वहीं दुनिया भर से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों की लिस्ट में ये 5वें नंबर पर है। 1 साल के भीतर शाहरुख खान की दूसरी 1000 करोड़ी फिल्म है ये। जवान ने दुनिया भर से 1150 करोड़ रुपए कलेक्ट किए, इसमें 640 करोड़ रुपए इंडिया से आए। फिल्म के हिंदी वर्जन ने पठान और गदर 2 को पछाड़ते हुए देश भर से 582 करोड़ रुपए कमा डाले। 58 करोड़ रुपए फिल्म के तेलुगु और तमिल वर्जन से आए। इंटरनेशनल मार्केट से जवान ने 400 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। बिना चाइना में रिलीज हुए आज तक किसी हिंदी फिल्म ने ओवरसीज से इतने पैसे नहीं कमाए थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जवान को 300 करोड़ रुपए से ऊपर के बजट में बनाया गया था। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट मिलाकर फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए के आसपास है। इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1140 करोड़ रुपए है। नेट 1050 से लेकर 70 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। किसी भी हालत में जवान अपने मेकर्स के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हुई। इस फिल्म को शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने ही प्रोड्यूस किया था। जवान को एटली कुमार ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ विजय सेतुपति, नयनतारा, सानिया मल्होत्रा, प्रियमणि और सुनील ग्रोवर जैसे एक्टर्स ने काम किया था। संजय दत्त ने कैमियो किया था। शाहरुख खान के बर्थडे पर 2 नवंबर को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी आ गई है। बताया जा रहा है कि फिल्म के OTT कट में कुछ एक्स्ट्रा सीन्स भी हैं, इसलिए इसे जवान एक्सटेंडेड कट बुलाया जा रहा है। शाहरुख खान जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। अब वो अपनी नई फिल्म डंकी की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का पहला टीजर आया जिसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये वो पहली फिल्म है जिस पर राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान साथ काम कर रहे हैं। इसमें शाहरुख के साथ तापसी पन्नू, विक्की कौशल, बोमन ईरानी, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर जैसे एक्टर्स ने काम किया है। डंकी क्रिसमस 2023 पर रिलीज हो रही है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी। आज ललन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। एक एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओ, फिर चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किन से बात कर रही है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जा करके कंसिडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर, तो खाएंगे तो है ये। यार नंबर वाला तो गेम है ये। तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।